भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और शुभी शर्मा एक साथ एक गाने में नजर आएंगे और जल्द ही शुभी शर्मा पहुंचने वाली हैं बिहार। जी हां, ये फोटो देखने के बाद लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि रानी चटर्जी के बाद बहुत दिनों बाद पवन सिंह उनके साथ नजर आए किसी गाने में। अब बारी शुभी शर्मा की है, क्योंकि शुभी शर्मा ने एक लाइव चैट में ये शिकायत की थी कि पवन सिंह जब चाहेंगे मैं उनके साथ नजर आऊंगी, काम करूंगी, लेकिन जब पवन सिंह नहीं चाहेंगे तो मैं उनके साथ काम करती नजर नहीं आ सकती, क्योंकि पवन सिंह की तरफ से उनको अभी तक कोई ऑफर नहीं आया है और वो पवन सिंह के साथ काम करना चाहती हैं लेकिन पवन सिंह उनके साथ काम करना नहीं चाहते। ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही है। लोगों का ये कहना है कि शुभी शर्मा के साथ पवन सिंह नज़र आएंगे, उनकी सारी जो गलत फहमियाँ हैं सब दूर करेंगे, उनके साथ जल्द ही किसी गाने में वो साथ नज़र आने वाले। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ से ये खबर फैल रही है पूरी तरह से कोरी अफवाह है, क्योंकि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बिहार में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार सरकार 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बिहार में बड़ा ही सख्त लॉकडाउन लागू करेगी, पर आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते और शूटिंग तो दूर, आप जल्द ही कहीं किसी मार्केट को ओपन नहीं कर सकते और तो और सिर्फ राशन की और मेडिकल की सेवाएं ही लोगों को दी जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लॉकडाउन लगने वाला है। तो इसलिए ऐसे में शूटिंग होना और शुभी शर्मा का जयपुर से, जो कि इस वक्त जयपुर में है, अपने होम टाउन में है, वहाँ से बिहार आना नामुमकिन है और शूटिंग जब ऐसे में रोक दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं पवन सिंह तो क्या कोई भी स्टार ऐसे में शूटिंग करेगा नहीं। तो ये पूरी तरह से अफवाह है कि शुभी शर्मा और पवन सिंह साथ में आ रहे हैं, क्योंकि जब से ये फ़ोटो लोगों के सामने आई है लोगों का यही कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही शुभी शर्मा और पवन सिंह एक साथ नज़र आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।